अभी और भी कुछ सुंदर प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, तीन प्रोग्राम है, शिफाली और उनके ग्रुप गोपी विरह भाव में एक नृत्य नाटिका प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। उसके बाद है हे गोपीनाथ सॉन्ग बाय कनिका एंड जूही, कीर्तन निमिष, और एट लास्ट दामोदर अष्टकम डांस, सेमी क्लासिकल डांस बाय सुप्रिया, शिफाली एंड मानसी एंड अनुकृति। तो मैं अब निवेदन करती हूँ शिफाली एंड हर ग्रुप को ये प्रदर्शन करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस नृत्य नाटिका के पीछे वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र में आते हैं तो सारे गोपियाँ कृष्ण से मिलने जाती है और वो देखती है कि ये उनके कृष्ण नहीं है, ये वो गोपालक नहीं है जो बांसुरी बजाते हैं, जिनके पास गो चढ़ाने के लिए लाखुटी होता है, इतना वो गोपालक नहीं है। और ये कौन है? ये द्वारिकाधीश कृष्ण है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण के गोपालक स्वरूप से ही आकर्षित होते हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य नहीं देखना चाहते हैं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, अच्छा मैं तुम्हारा कृष्ण नहीं हूँ, तो तुम्हारा कृष्ण कैसा है हमें बताओ। तो गोपियाँ उनको बताती है कि हमारे कृष्ण कैसा है। हरे कृष्ण। द्वापर युग की बात है, एक दिन मथुरा के राजा कंस की आज्ञा से रोज जी गोकुल में श्री कृष्ण को लेने पहुंचकर अपने लक्ष्य को हर रिश्ते, हर नाते, हर संबंध, हर भावना से आगे रखकर श्री कृष्ण ने गोकुल धाम का परित्याग कर दिया। वे मथुरा की ओर बढ़ गए, परंतु श्री कृष्ण तो गोकुल की आत्मा थे, फिर कृष्ण के बिना गोकुल सजीव कैसे रह सकता, इसीलिए गोकुल प्रायः मृत हो गया। जिस गोकुल के कण कण में श्री कृष्ण की चैतन्यता गूंजती थी, आज सब निर्जीव जड़ हो गए। वृंदावन की कुंज लताएं, वृक्ष, वनस्पति, जो सूर्य की जगह श्री कृष्ण से ऊर्जा लेकर हरे रहते थे, वे सब मुरझा गए। श्री कृष्ण की बाल पीड़ाओं को देखने के लिए यमुना की जो धाराएं कल कल करके तट की ओर उछलती थी, वे शिथिल हो गई। इसी प्रकार गोपियाँ भी रो रो कर गोकुल की सोनी वीथियों में भटक भटक कर कहती रहती, कान्हा आज तक तुमने हमारी बहुत मटकियाँ फोड़ी, माखन चुराया, हम सदा तुम्हारी शिकायत यशोदा मैया से करती रही, पर अब चाहे तुम कितनी ही मटकियाँ फोड़ लेना, हम कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन तुम इस तरह हमें छोड़कर क्यों चले गए? लौट आओ शाम, लौट आओ। अद्भुत मिलन का दृश्य होगा, चलो ना राधे, चले।
राधे तड़को, जितना तड़कोगे यहाँ तुम उतना आनंद उसे मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा, राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो ब्रज लौटने का समय हो गया, चलो वृंदावनेश्वरी चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से फूले। पर सुना है भैया, मिलके भी उनका मन कुछ व्याकुल सा होवे। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों होवे? गोपियों से जो नहीं मिले। Thank you.
गोपीनाथ सॉन्ग के लिए कनिका और जूही को मंच में स्टेज में आने के लिए निवेदन करती हूँ।
विल कंटिन्यू कीर्तन एंड उसके बाद अशोक विहार के भक्त द्वारा कीर्तन और उसके तुरंत बाद अब हमारा लास्ट प्रोग्राम है दामोदर अष्टकम में डांस. हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. सभी गाइए कृष्णा
सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही है सुप्रिया शिफाली अनुकृति एंड मानसी। भगवान कृष्णा राइट साइड में बंधे हुए हैं, दामोदर लीला एक्चुअली है ये, और भगवान बंधे हुए उखल से और सखिया जो है वो आके उनका मजाक उड़ाती है। और ये दामोदर महीने का लीला है, कार्तिक महीना राधारानी को अति प्रिय है, तो उसी में से एक दामोदर लीला जो है वो ये लोग प्रदर्शित करेंगे। हरि बोल। Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna.